तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापिस। अब यार ये वाले मैच में इतने सारे एपिक मोमेंट भरे पड़े हैं कि मतलब आप जिनको देखते ही सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, नहीं मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन आप कर दोगे सब्सक्राइब। इतने सारे एपिक मोमेंट है मतलब जिनको देख के आप बोलोगे वाह क्या चीज़ है, मतलब सच्ची में बोलोगे यार आप। अब खैर जब यहाँ पे हम कूदे तो भैया टपाटप बहुत सारे लोग कूदने लगे और फिर चारों तरफ सराउंडिंग की सराउंडिंग। और ऐसे में एक भाई साहब गलती करते थे कि हमारी बिल्डिंग के अंदर आके लूटने बैठ जाते हैं हमारे सामान को, तो देखो उनको पहुँचा देते उनके अल्जाम तक, इल्जाम जो भी उसको बोलते हैं। तो इस भाई साहब को हमने पील दिया। अब यार उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है इधर से उधर मतलब गंदी मिली तो इधर से उधर भागने लगे, तो हम भी फिर अपने नगर निगम वाले काम पर लग जाते हैं सफाई पर, तो पील देते हैं यार सबको, मतलब फिर बात करते हैं। खैर यहाँ पर जो है अब मेरे पास उजी है और सामने घर में एक बंदा घुसता है जिसको पड़ती है शॉट गन और वो भाई साहब पे ले जाते हैं। अब जिसने शॉट गन मारी भैया उससे मेरी भिड़न तो होती है और मारी तो उसने भी मेरे को शॉट गन, लेकिन हम यहाँ पे बच जाते भैया ऊपर वाले की कृपा तुम्हारे भाई पे। खैर अब धीरे धीरे जो है बीच में से हम रश को कम कर रहे हैं, लेकिन इस घर में अभी भी एक बंदा है तो उसको भी पहले पेल देते हैं। और ये भाई साहब पता नहीं क्यों भाग रहे थे मेरे को देखते ही, तो इनको तो सबसे पहले बचा दिया मैंने। और अब मतलब अगर मेरे हाथ में गन लग जाए ना तो मैं जितनी जल्दी पहुंचेंगी का बीच वाला सेंटर खाली करता हूँ ना उतना तो मैं क्या ही बताऊँ मैं। खैर ये चार बंदे तो मैंने उड़ा दिए, अब बीच वाला सेंटर तो मतलब कतई खाली हो गया। खैर उसके बाद जो है अपने सेंटर में अपने इलाके में तो हमने मतलब तबाही से मचा दी है। खैर हम दूसरों के इलाके में आते तो भैया मतलब देखो क्या हाल बना रखा है इनने मेरी पोचिंग की का, तो कर देते इनको भी क्लियर। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो भाई दो बंदे होते हैं, एक मेरी बिल्डिंग के ऊपर और एक सामने वाले वेयर हाउस के अंदर। अब यहाँ पर सब फुटस्टेप का खेल है, सुनो बंदा सीढ़ियों पे गया लेकिन वहीं पे रुक गया, मुझे पता लग गया था उस सीढ़ियों पे टीवी भी ले रहा है, देखो कैसे मारते हैं। इसके पास भी शॉटगन, मतलब देखो जितनी जल्दी रश करोगे ना सामने वाले को लूटने का टाइम मिलेगा ही नहीं। अब सुनो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट एड लगा रहा था एक भाई साहब खींचते हैं नेट की पिन की नेट, तो हम उसको मार देते हैं लेकिन वो नेट फेंक देता और बच जाते हैं हम, मतलब बंदा शाना बन रहा था हमारे सामने शानापंती, कोई बात नहीं। खैर अब इसको तो हमने लगा दिया ठिकाने, अब बारी है उस वाले बंदे की, लेकिन लग रहा है देखने में कि भाई उसके पास भी लूट वूट नहीं होगी, लेकिन हमको पता नहीं है भैया इसलिए हमको सब्र रखना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं भाई साहब वो बंदा जो है बालकोनी में चला जाता है, अब टीवी पे ले रहा था तो भैया हमारे सामने मतलब शानापंती। अब ये जरा आईक्यू देखो आप, इसको देखो तो आप लाइक कर दोगे, नहीं मतलब लाइक छोड़ो सब्सक्राइब भी कर दोगे। ये बंदा मेरे को हैकर समझ रहा होगा थोड़ी टाइम के लिए, तो बाद में से पता चला कि हाँ भाई पीछे से भी एक रास्ता है आने का, और ये भाई साहब मतलब इतना टीवी भी ले रहा था। खैर एक और भाई साहब दिखते हैं जो कि गाड़ी की तरफ आ रहे होते लेकिन उनको भी बजा दिया हमने, तो मतलब जितनी जल्दी हमने ये वाला इलाका खाली करा मतलब लाइक तो बनता है, लाइक छोड़ो यार सब्सक्राइब बनता है, तो मतलब कर ही दो यार मैंने बोला था। अब ये कुछ भी एपिक मोमेंट नहीं है, आगे जाके इससे भी खतरनाक मोमेंट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर मुझे पत्थर पर एक बंदे की मुंडी दिखती है, मतलब सर दिखता है, और बस देखो आप ये स्कारल का स्प्रे और जस्ट इन्जॉय करो मतलब ऑब्जर्व करो इसको। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे फिलहाल सबको खाली कर दिया था हमने, उसके बाद एक बंदा मतलब बोट फायर करके हमको बुला लेता उस तरफ। अब जब हम उसको मारने जाते हैं तो वो मुझे दूर से दिख जाता है कि वो उछल रहा है, तो मतलब शायद उसको टीम अप करना रहेगा। अब मैं कहानी सुनाता हूँ यहाँ पर आपको कि ये बंदा जो है पिछले मैच में मिला था और इसको मैंने मार दिया था, सुनो आप क्या बोलता है ये। भाई रैक्स नाम है यार, तब मार दिया था, मैं मीटअप करने आया था, वो आप जो गाड़ी लेके उधर पूछ के थे ना इधर स्क्वाड हाउस में इस रूम में, नहीं पता मैं खेल रहा था रात को, आपको देखा था, फिर मेरे को नहीं लगा कि आप लेगी, तो फिर मैंने फायर चलाई, फिर जब मैं आपको एक्सपेक्टिंग किया फिर पता चला। तो भाई ये बंदा तो मतलब नॉन स्टॉप बोल ही जा रहा था, मैंने सुन लिया जो इसने बोलना था भैया, हाँ ठीक है मैंने मार दिया मेरे से गलती हो गई कोई बात नहीं इस बार मैं छोड़ देता हूँ और हम आखिर में मिलते हैं ठीक है, तो मैंने इसको बोला था भैया आखिर में मिलेंगे। उसके बाद एक बंदा मेरे को यहाँ से बोट फायर दे के बुलाता है, अब आवाज़ से तो लग रहा था कि वो ट्रिपल स्टोरी में होगा, तो मैं सोचा कि चलो छत पे जाके भैया चेक करते हैं वो कहाँ पे है और एंगल लेके मार देंगे, लेकिन वो तो छत ही पे था, इसको इजीली पेल दिया। फिर मैं जो पीछे वाला रैक्स नाम का बंदा था उसको बुलाता हूँ, बोलता हूँ भैया लूट लो यहाँ पे, मतलब अच्छी खासी लूट है इस बंदे के पास। खैर हमारा काम था यहाँ से निकलना, और मतलब थोड़ा सा नगर निगम टाइप का रोल रहता है हमारा पोचिंग के में कि आओ पोचिंग में और सफाई करो और भैया अपने काम पर लग जाओ, फिर दूसरी जगह जाओ। तो यहाँ पर एक फ्लेयर चली होती है जिसपे हम मतलब कोचिंग की से ही मैं सोच लेता हूँ कि जाऊँगा उस पर, और इतनी दूर थी वो देख लो आप। यार यहाँ पे होते दो बंदे, मतलब एक फ्लेयर चलाई उसने और एक जो बंदा यहाँ पे उस फ्लेयर वाले को मारने आता वो, और तीसरा मैं तीसरा उम्मीदवार मैं भी उस फ्लेयर वाले को मारने आता हूँ, लेकिन उससे पहले इस बंदे को रास्ते से हटाना था। ये भाई साहब को हटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ये भाई साहब सोच रहे थे कि शायद उसको दिखा नहीं होगा, हम छुपे रहेंगे यहाँ पे, ये घर के अंदर आएगा हम पीछे से मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, हर बार ऐसा नहीं होता। खैर अभी तक मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे कोई और बंदा भी है, तो जब मैंने इसकी लूट देखी तो लगा कि यार हाँ इसने तो फ्लेयर नहीं चलाई, ना इसके पास फ्लेयर गन, ना इसके पास फ्लेयर की लूट, मतलब कोई दूसरा बंदा तो है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ड्रिंक पी रहा होता हूँ, भाई वो बंदा फेंकता है जानलेवा ग्रेनेड, और ग्रेनेड क्या फेंकता मेरे पे अटैक कर देता, अब देखो बस
तो भाई के पास MK14 थी और कुछ ज़्यादा ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे भाई साहब, तो बजा दिया हमने। अब माना कि मतलब आपके पास MK14 है, बट इतना भी नहीं कि आप सीधा मेरे मुंह के ऊपर ही कूदो और मेरे को मारने की ट्राई करो। खैर एक गाड़ी दिखती है और उससे पहले कि गाड़ी का बंदा दिखे मुझे यहाँ पे लेटा हुआ बंदा दिख जाता है। और ये बंदे को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब सर्दियों में जैसा मतलब हम लोग मतलब बिस्तर के अंदर लेटे हों और बोले ना मुझे नहीं उठना, तो वो भी इसी प्रकार से ना मुझे नहीं उठना भाई, तो मार ले मेरे को लेकिन मैं हिलूंगा नहीं वहाँ से। खैर यहाँ पे एक और बंदा दिखता, अब देखो आप ग्रोजा वर्सेस MK, अब दोनों ने बराबर की हिट मार दिए थे एक दूसरे को मतलब। बट ये जो बंदा होता है इसके पास होती है ग्रोजा और MK, मतलब खैर मैं अब क्या ही बताऊँ, अब समझ जाओ यहाँ पे क्या हुआ था। MK जीत गई भैया ग्रोजा से, कोई मुकाबला ही नहीं है। खैर उसके बाद मैंने गलती कर लेता हूँ कि अपनी MK छोड़ के उसकी ग्रोजा उठा लेता हूँ, उसकी AWM उठा लेता हूँ और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे पीछे चली होती है एक फ्लेयर और मैं आ जाता हूँ इस घर पे जहाँ पे मुझे फुटस्टेप होते हैं मतलब सुनाई देते, तो इस पे रश करने लगता हूँ। सुनो ये बंदा मेरे को क्या बोलता है। हेलो 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 लेजिट, अरे मैं आदिल पहचाना, आ जाओ ऊपर आ जाओ, मैं गन पीछे कर। नो नो आदिल रसीद नहीं, आदिल रसीद नहीं। अब यार वो छोड़ो, आप बातों पे छोड़ो, अब ये एपिक मोमेंट देखो और इसके बाद सब्सक्राइब कर देना, मुझे नहीं पता। अब देखो आप मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, ये मतलब अगर इसको देख के किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ भाई, बाय मिलते हैं। मैं वॉइस ओवर बंद कर रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ मैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर देना, मैं मिलता हूँ आपको आखिरी वीडियो में। खैर ये भाई साहब क्या बोलते हैं सुनो जरा, मैं मजाक कर रहा था। सुनना मैंने अभी तक एक किल नहीं किया, मेरे को दिलवाएगा वो टाइटल। तो यहाँ पे जो वो वाले टाइटल की बात हो रही है, वो वाला टाइटल है, वो वाला टाइटल जिस टाइटल में मतलब 0 किल करके आपको सोलो में जीतना होता है, जो कि मेरे पास था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, अनगिनत मतलब कुछ बोलते हैं, मैं देख लूँगा बाद में एडिट कर दूँगा। लेकिन पहले मुझे मारना था इस फ्लेयर वाले बंदे को, और वो पिछला मेरा बंदा निकलता है रिश्तेदार मतलब आदिल नाम का भाई होता है कोई, और मैं शायद जानता हूँ उसको, तो जान पहचान निकल ही जाती है। खैर बातों ही बातों में हमने इस बंदे को मार दिया जो यहाँ पे मतलब इस फ्लेयर पे कैंप कर रहा था, और ये भाई भी अपना ही दोस्त निकलता है मतलब मेरी फ्रेंड लिस्ट में था पहले जिस बंदे को मैंने अभी मारा। अब ये दो बंदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आदिल नाम का और एक ये जिसको मैंने मारा। अब देखो आप क्यों, वो आपको पता लग जाएगा। खैर जो वहाँ से बगी लेके भागा था मतलब फ्लेयर लूट के भागा था, वो भाई साहब यहाँ पे होते हैं। अब देखो ग्रेनेड पे ग्रेनेड, पहला ग्रेनेड 110 IQ ग्रेनेड था मतलब मरा ही नहीं बंदा, लेकिन दूसरा ग्रेनेड मतलब ये तो माइनस वाली IQ में आ जाता है मतलब मेरे भी गिर गया, खैर क्या ही बताऊँ। तीसरा ग्रेनेड मतलब ये मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बंदा बाहर की तरफ आ जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसको डरा के फिर से अंदर डाल देते हैं। अब इस बंदे को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे साथ घपले होने स्टार्ट हो जाते हैं। किस प्रकार के घपले वो आप देखो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मतलब अपनी नज़रें गड़ा लो। अब यहाँ पर मैं फेंकता हूँ ग्रेनेड और ग्रेनेड देखना क्या होता है मेरे साथ, मतलब ये वाला ग्रेनेड नहीं, सॉरी वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, हाँ ये वाला ग्रेनेड। तो देखो भागना पड़ेगा अब हमको यहाँ से, मतलब उस पर मैं ग्रेनेड फेंक रहा होता हूँ, पता नहीं कौन DP वाला पीछे से मतलब भर देता है मेरे अंदर, पूरी वेस्ट खा गया मेरी। तो अब ये भाई साहब मेरे पे शान पट्टी करने आते हैं, मतलब इनको पता था मैं डैमेज हो गया हूँ, तो आता है मारने लेकिन भाग जाता है फिर मतलब डर के मारे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। खैर हम नहीं भागते, देखो आप। तो यार ये वाले भाई साहब के लिए तो मैं पूरी तरीके से रेडी रहता हूँ। अब बारी थी उस DP वाले की जो पत्थर पे मुझे स्पोर्ट होता है। अब देखो यार उसको क्या पड़ता है, मतलब उसकी टांग ही दिख रही होती है मेरे को और टांग ही पे पड़ता है शॉट, और फिर वो दोबारा पिक तो करेगा नहीं, मुझे पता था भैया AWM देख कर तो कोई दोबारा वैसे भी पिक नहीं करेगा। तो मैं जल्दी से सोच लेता हूँ कि यहाँ पे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से रश कर दो, जब तक वो फर्स्ट एड लगाएगा हम मस्त उस पर रश कर सकते हैं। लेकिन अब जद्दी देर में मैंने ये सोचा शायद उसने फर्स्ट एड लगा ली थी, तो मुझे आना पड़ा ये वाली जगह पर। अब देखो यार वो सामने वाले पत्थर पर था, मतलब ये वाले पत्थर पर नहीं, इसके जो आगे आपको पत्थर शो हो रहा है उस पर था वो, तो हम आ जाते इस वाले पत्थर पर। जब मैं सोचता हूँ कि भाई शायद वहाँ पर जाने से पहले नेडी फेंक दे, क्या पता मर जाए, और उसकी मुंडी भी दिख जाती है मेरे को, तो उसकी मुंडी पे आके ये नेड़ पड़ता है, देखो आप बूम। तो इसका तो काम हो गया खराब। अब यहाँ से जब हमारे पास तो लूट वूट तो सब रहती है, निकलते तो हमको क्या दिखता है, अब क्या दिखता है आप गेस करो, क्या दिखेगा मुझे, कुछ नहीं दिखेगा भाई, दो बंदे दिखते हैं मुझे जो मतलब चोर पुलिस की तरह भाग रहे होते हैं। अब देखो क्या स्प्रे देता हूँ उन पर मैं। अब ये पीछे वाला जो बंदा रहता है पता नहीं क्यों इसको लगता है कि यार ये गाड़ी घुमा के मेरे को मारेगा, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ कि भाई नहीं, इतना आसान नहीं है कि आप गाड़ी घुमाओ, आप मस्त मोड़ो वोड़ो, मैं आपको इतना टाइम देता हूँ, लेकिन नहीं हमने उसको मार दिया। अब आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले। खैर अब ये जो बंदा बच के गया था इस पर मैं रश कर देता हूँ, अब देखो आप।
ये मुझे यहाँ पे स्पोर्ट होता है। अब मैं जब इस पर रश करने की योजना बना रहा होता हूँ तो सुनो ये भाई साहब हमसे क्या बोलते हैं। हेलो लेजेंड, लेजेंड। अब यार हेलो लेजेंड जैसे इसने बोला मैं समझ गया कि भैया एक और रिश्तेदार निकल के आ गए। यहाँ पे फिर से मेरी रिश्तेदारी निकल के आ जाती है ये वाले भाई साहब के साथ। तो ये भी कोई पुराने दोस्त होते हैं और इनसे हम हेल्प मांगते कि भाई हमारे ग्रोजर में बुलेट नहीं है तो हमको बुलेट दे दो। और देखो ये बंदा मुझे बुलेट देता है तो भाई थैंक यू यार, मतलब तुम जो भी हो। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार मेरा नाम बोल दो प्लीज। सुभाष, ये लो मैंने बोल दिया सुभाष। ठीक है तो चलो अब हम यहाँ से निकल लेते हैं। और मुझे यहाँ पे मतलब गाड़ी वाले शो होता है तो जिसको हम पूरा डैमेज देने की ट्राई करते हैं लेकिन उसको डैमेज तो होता है लेकिन वो भाग जाता है, क्या करें। खैर इसकी गाड़ी होती है जिसको मैंने पंचर किया होता है तो अब क्या करें, पंचर वाली गाड़ी में निकलना पड़ेगा। खैर ये पहले तो 5 मिनट तक स्टार्ट ही नहीं होती लेकिन जब स्पीड पकड़ती है तो भाई साहब क्या स्पीड पकड़ती है, सीधा मतलब पीछे ही करवा दिया इसने उसका मेरा मेरे को पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर अब वो पीछे वाला गाड़ी वाला डैमेज था तो मुझे उसको मारना था इसलिए मैं गाड़ी वाले को इग्नोर करके आगे वाली इस वाले पे रश कर देता हूँ। अब देखो यार मेरे साथ क्या होता है, मैं क्या हुआ देखो आप। ये क्या था मतलब कहाँ से मरा मैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ पता नहीं चला, ये क्या था आप मुझे बताना। खैर मतलब काफ़ी सही मैच था ये मतलब, और ये वही टीएल आदिल था जो मुझे वेयर हाउस में मिला था जिसने बोला था मुझे वो वाला टाइटल दिलवा देना लेकिन इसने अपने वो वाले टाइटल की परवाह ना करते हुए हमको बचा दिया लेकिन मुझे खुशी हुई इसी ने मेरे को मारा। तो कोई बात नहीं, खैर अगर आपको गेम प्ले सही लगा हो तो लाइक करना यार। और हाँ वो एपिक मोमेंट देख के जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आप दुनिया में रहने लायक नहीं हो, बस कर दो सब्सक्राइब यार। मतलब इतना अच्छा मोमेंट देख के भी अगर आप सब्सक्राइब ना करो तो बस सख्त हो आप। एंड यार जो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वो भाई साहब मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि तुम्हारा भाई वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें डालता है, मतलब मजे दिला देंगे इंस्टाग्राम पे। तो जाओ यार इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब मुझे ज़्यादा फॉलोवर चाहिए बस और कुछ नहीं भाई।